हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, इजी एंड क्रिस्पी मसाला राइस मुरुक्कू। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मसाला राइस मुरुक्कू बनाने के लिए सबसे पहले हम बाउल में लेंगे चावल का आटा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है। इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच रवा यानी सूजी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन, इसे हम थोड़ा सा हथेली पे रब करके डालेंगे। 1 छोटी चम्मच तिल सफ़ेद वाली, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ हींग, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच घी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका मैं सॉफ्ट डो बना लूँगी। डो बनके तैयार हो गया है, तो अब मैं इसे गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 10 मिनट के बाद हम बनाएंगे राइस मसाला मुरुक्कू। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार हम इसे हाथों से मल लेंगे। तो अब हम लेंगे मशीन। यहाँ पे मैंने मीडियम डॉट वाला प्लेट लिया हुआ है मुरुक्कू बनाने के लिए, और अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और इस चावल के मिक्सर को हम इसमें भरेंगे। इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे और इसे बंद करेंगे। मशीन के अंदर हमने मिक्सर को भर लिया है, तो चलिए अब हम तेल गरम होने के लिए रख देते हैं और गर्मा गर्म हम मुरुक्कू तल लेते हैं। तो हमें लेना है ये डॉट वाला स्पून जिससे हम तले हुए चीज़ों को छानते हैं। इसके ऊपर ही मैं पहले मुरुक्कू को निकाल लूँगी। इस तरह से स्पून में हमें इसे निकाल के तब हमें इसे ऑयल में डालना है। तो चलिए अब हम इसी तरह से निकाल के इसे हम ऑयल में डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है लो फ्लेम पे, और अब मैं इसमें डाल दूँगी इस मुरुक्कू को। थोड़ी देर के बाद हम इसे उस तरफ फ्लिप करेंगे। इसे हमें क्रिस्पी होने तक पकाना है। मुरुक्कू हमारे बनके तैयार हो गए हैं और अब ये क्रिस्पी भी हो गया है। इसे अब हम पेपर नैपकिन पे उतार लेंगे। इसी तरह हम और मसाला मुरुक्कू फ्राई कर लेंगे। राइस मुरुक्कू बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत ही आसान था, बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे दिवाली में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं। इससे पहले मैंने राइस मुरुक्कू बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। और ये आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, ये देखिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।